कहती कि मैं अपनी माँ से कहूँ कि तुम साबित करो कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ। मेरे पापा तो मर चुके, अगर मेरी माँ साबित नहीं कर पाएगी तो क्या मैं हराम की औलाद हो गई? नमस्कार, आज है हम दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ लगातार पिछले एक महीने से NRC CA को लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में मेरे साथ में एक मुस्लिम बहन है, उनसे मेरा पहला सवाल ये है कि आपके माथे पे बिंदी दिखाई दे रही है, तो ये बिंदी किस लिए? मैम, मेरी जो मैंने बिंदी लगाई, बेसिकली मैं बिंदी लगाती नहीं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जब से मोदी जी ने ये वाली बात बोली है कि हम लोगों को उनके कपड़ों से पहचानते हैं, उस दिन से मैंने बिंदी लगा ली है। कि आपने जैसे बोला मुझे मुस्लिम महिला, मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मुझे मुस्लिम महिला बोल दी। जब आप अगर ये बोले ना कि एक हम भारतीय महिला से बात कर रहे हैं, तो मेरा खून शायद बहुत सारा बढ़ जाए। कि हम लोग इंडियन हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हम बाद में, पहले हम भारतीय हैं। पर्टिकुलर मैंने आपको मुस्लिम इसलिए कहा क्योंकि जो NRC का मुद्दा चल रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर इसमें ये मुस्लिम समुदाय को ही बाहर रखा गया है। जी जी, तो मेरा संदर्भ यही था। मतलब सही कहा आपने, लेकिन मतलब एक लगता है, दिल पे लगती है वाली बात कि आज हम जो हैं अपना आपको ही प्रूव कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान से कह रहे हैं कि साबित करो कि हम तुम्हारी औलादे हैं, तो ये तो वही वाली बात होगी कि मैं अपनी माँ से कहूँ कि तुम साबित करो कि मैं तुम्हारी औलाद हूँ। मेरे पापा तो मर चुके, अगर मेरी माँ साबित नहीं कर पाएगी तो क्या मैं हराम की औलाद हो गई? तो ये तो एक, आप इस तरह का एक टेरर नहीं कर सकते हैं कि आपने ये सिर्फ ये गुमराह करने के लिए जो आपने एक स्ट्रैटेजी प्लान करी है 2024 के लिए, ताकि आप लोगों को यहाँ NRC पे लगा दें, CA में लगा दें, NPR में लगा दें, और आप लोग आपसे नहीं पूछें कि GDP क्या है, एजुकेशन के लिए आपने क्या करा, लोगों के लिए क्या करा। आपने टेलीकॉम बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया, आपने हवाई अड्डे बेच दिए, अब आप पेट्रोलियम बेचने जा रहे हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए करा गया है कि ताकि आप 2024 में जो इलेक्शन होंगे उसमें 35 करोड़ मुसलमानों को आप काट दें वोटिंग से, और 20 करोड़ उसके पीछे दलित समाज कट जाए। क्योंकि मुसलमानों के पास शायद 20-25% लोगों के पास कागजात हैं, लेकिन जहां तक मेरी अपनी नॉलेज है, मैं कोई पॉलिटिशियन लीडर नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं, जीरो हूं जी। लेकिन जहां तक मैं एनालाइज करती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि दलित समाज के पास 70% लोगों के पास पेपर नहीं है। तो उस बहाने ये लोग जो हैं 55 करोड़ लोगों को वोटिंग लिस्ट से बाहर कर देंगे, कहते हैं डिटेंशन कैंपों में डाल देंगे। कोई डिटेंशन कैंप इतना बड़ा नहीं है जहां पर आप 55 करोड़ लोगों को ठूस दें या इतनी गोलियां भांज दें। जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो इस बिल से वापस ही नहीं जाएंगे, हम तो एक इंच नहीं हटेंगे, हम जो हमारे खिलाफ़ बोलेगा हम उसे मार देंगे। तो पूरा हिंदुस्तान आपके खिलाफ बोले, मारते क्यों नहीं फिर आप? अभी योगी जी ने कहा है कि सबसे पहले NRC और CA को मैं UP में लागू करूंगा, तो इस पर क्या कहेंगे? मैम, तो लागू करेंगे क्या, लागू करिए ना आप। मतलब जो मेरा मानना है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। आप कर दो ना एकदम से। आप ये हल्ला क्यों काट रहे हो बैठ बैठ के? कभी आप किसी को बुला रहे हो, कभी आप किसी को बुला रहे हो, कभी आप यहाँ डिबेट करा रहे हो, कभी आप यहाँ डिबेट करा रहे हो। यानी कि आपका ये जो कानून है इतना थर्ड क्लास आपने बनाया, आपको खुद नहीं पता आपने क्या बनाया है। आप खुद आके जस्टिफाई करो ना उसको बैठ करके, बना आखिर आप कहना क्या चाहते हो, बनाया क्या है? PM मोदी कह रहे हैं कि हमने NRC का चर्चा तक नहीं करा, और वो टकलू शाह चिल्ला चिल्ला के कह रहा है हम NRC लाएंगे, 4 महीने में लाएंगे। तो आप कि जो स्टेटमेंट वेरी कर रहे हैं, तो मैं ये कहती हूँ पहले प्लीज़ आप दोनों तो आपस में बात कर कराया करो ना जी। आप जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आ गए हो, 350 रुपये का रिचार्ज आप जियो का कराते हो और पढ़ पढ़ कर आ रहे हो, तो बंद कर दें इसको। 132 करोड़ जो हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, आपसे कहीं ऊपर है वो, आप उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। 70 साल से हम लोग सो रहे थे, शायद अब अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। कांग्रेस ने हमें पीटा, BJP ने हमें पीटा, कभी हमें कांग्रेस पीटती है तो हम BJP की तरफ चले जाते हैं, फिर हमें BJP पीटती है हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। तो हमें BJP की सोच से कोई इशू नहीं था, क्योंकि हमें तो कांग्रेस ने भी बहुत बर्बाद करा है। हमें BJP के सिर्फ CA से प्रॉब्लम है। उसने कैसे कहा कि वो मुस्लिम कम्युनिटी को इस बिल के बाहर करेगी? वो क्यों करेगी बाहर हमें? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि केवल मुस्लिम नहीं बल्कि ये सबके लिए है। हम बिल में आप पढ़ें मैम, बिल में मुस्लिम का जो है कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है। आपने छह मज़हब को इंक्लूड कराया, इस्लाम को कहीं नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि हम एक कलमे वाले, हम एक जन्म वाले हैं। अगर हम राम होते, कुछ भी होते, तो आप हमें शामिल करते। यानी कि सिर्फ आपको हमारे मुस्लिम होने से प्रॉब्लम है, तो आप इस तरह नहीं कर सकते हमारे साथ, आप नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान की कोई जेल इतनी बड़ी नहीं है जहाँ आप 35 करोड़ मुसलमानों को ठूस दें या इतनी गोलियां नहीं आप फांस दें। आप हमारी, हम आपसे कोई भी बात करते हैं, आपसे 132 करोड़ हिंदुस्तान का कोई भी बात करता है, आप फौरन पाकिस्तान की तरफ पहुँच जाते हैं कि अगर हम कहें कि फसल ख़राब हो गई, किसान खुदकुशी कर रहा है, पाकिस्तान से बादल आए होंगे, वो बरसे होंगे तो फसल ख़राब होगी। तो इतना बेवकूफ़ाना फैसला मत दीजिए। आप हिंदुस्तान में क्यों नहीं बताते कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? आप दलित समाज में क्यों नहीं बताते क्या हो रहा है? वाल्मीकि समाज के साथ क्या हो रहा है? मुस्लिम समाज के साथ क्या हो रहा है? मतलब आप रेपिस्ट, हर 10 मिनट में एक रेप होता है, आप उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। तो अगर आपको एक्ट बनाने का इतना ही शौक है तो आप रेप पे बनाइए ना एक एक्ट। आप कोई ऐसी अदालत लेकर आइए जहाँ 6 दिन में हो। मैं तो कहती हूँ ऑन द स्पॉट आप फांसी दीजिए उसको, ताकि दोबारा ना हो। जब आप फैसला देते ही नहीं है, जब भी तो भर रहा है हौसला, जब भी तो हर 2 मिनट में 3 मिनट में रेप हो जाते हैं। ये तो 10 मिनट की जो स्टोरी है मैम, ये वो है जो रिपोर्ट लिखी जाती है। बहुत सारे लोग तो रिपोर्ट लिखवाते भी नहीं है, तो यानी फिर तो हर 3-4 मिनट में एक रेप हो रहा होगा। तो
आप जहाँ पर एक्ट बनाने वहाँ तो आप एक्ट बना नहीं रहे हैं, बेवकूफ़ी के एक्ट बना रहे हैं कि आप साबित करें कि आप हिंदुस्तानी हैं। अरे हम हिंदुस्तानी थे जब तो हम आपको चुन के लेकर आए थे। अभी केरल के जो गवर्नर है उनकी एक स्टेटमेंट आई है, तो उस पर क्या कहेंगे? मैम केरल के जो स्टेटमेंट जो आया वो एक आरएसएस के दल ने है बेसिकली, उनको उन्होंने 3 तलाकों का नोट जो एक वो एक्ट था वो पास नोटिफाई करा था, तो खुश होकर भीख में बीजेपी ने उनको केरला का गवर्नर बना दिया था। उनका छोटा भाई XMLA क्या नाम है आसिम मोहम्मद खान, अब उनका जो मैंने कल स्टेटमेंट पढ़ा है उनके बड़े भाई का गवर्नर साहब का, वो कहते हैं पाकिस्तान में जो है कादियानों पे जुल्म हो रहा है, अहमदिया ग्रुप पे जुल्म हो रहा है, कादियान पे। उनका छोटा भाई मुझे कहता है कि मैं अहमदिया ग्रुप की आतंकवादी हूँ पाकिस्तान की। तो ये तो आप बकवास कर रहे हैं फालतू, आप डिबेट कर करके बता रहे हैं, आपको खुद नहीं पता आपका कानून क्या है, वो उल्टी सीधी कलाम पाक की आयतें बता रहे हैं। मैं कहती हूँ कलाम पाक में एक आयत है आप नमाज मत पढ़िए, हमारे कलाम पाक में मेंशन है आप नमाज मत पढ़िए, लेकिन उसके आगे भी तो पढ़िए, क्यों मत पढ़िए? फिर लिखा हुआ है बेशक जब आप नशे की हालत में हो, तो आप आधी आधी आयतें मत बताइए हमें। आप ये कह रहे हैं कि वो जो अबुल कलाम आजाद थे जब ये फ्रीडम फाइटर थे तो मुसलमानों ने मुस्लिम लीग वालों ने उनकी दाढ़ी में गिलासत लगाई थी, तो क्या बकवास कर रहे हैं? मेरे फादर मुस्लिम लीग से थे और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग वाले कम्युनिस्ट हो गए हैं। मैं तो मुसलमान हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, रोजा रखती हूँ, हम तो नहीं कम्युनिस्ट हुए। तो आप ये बकवास करना बंद करें, आप ये 2-2 रुपये पर आपने ईमान बेच दिया है, आप हिंदुस्तान की फिक्र करें। किसी भी पार्टी में आपका फ्यूचर 4 साल होता है, तो आप 4 साल के लिए 132 करोड़ लोगों का ईमान मत बेचिए, आप जमीर को जगाइए, आप हिंदुस्तानी हैं। ये बिल आप पे पास आप पे लागू नहीं होता, अगर CAA लागू होगा तो पूरा हिंदुस्तान लाइनों में लगेगा। इस वक्त आप ये बिल लाकर टोटल जुडिशली को अमीर कर देंगे, मतलब आप जितने भी सो कॉल्ड ये खुले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी खुले हुए हैं जहाँ पे आप जाके पेपर बनवाएंगे तो ये आपको कहेंगे 2 लाख 2-3 लाख दो, हम तुम्हें साबित करेंगे हिंदुस्तानी, यानी एक बार फिर आप लाइन में लग जाएंगे। देश की जनता के लिए कोई आखिरी मैसेज? यही है कि ये रोड की लड़ाई है, अदालतों से हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमारे पे फैसले जो है वो थोपे जाते हैं। आप भीड़ मत बनिए, आप भीड़ में एक चेहरा बनिए। आप रोड पर हैं, आप रोड में, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप रोड पे रह के लड़ाई बेशक जीतेंगे, लेकिन अब हमें जीतने के लिए इस सिस्टम में घुसना पड़ेगा। जैसे कंप्यूटर में वायरस आता है तो हम उसको ख़राब करते हैं, तो ये वायरस आ गया है मोदी नाम का, हमें इस वायरस को निकालना होगा इस सिस्टम में घुस के। अब हम जब भी नेता चुनेंगे तो हम सोच समझ के चुनेंगे, हम बिरयानी खा के पकौड़ा खा के नहीं चुनेंगे। कोई भी नेता हमारे पर जुल्म करेगा हम इसी तरह रोड पर आएंगे। शुक्रिया।